नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दमोह पुलिस परीक्षा में और एनटी पुलिस परीक्षा व्यापन द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसके विरोध में परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 2 लाख भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ भर्तियां निकालने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आज का जो युवा वर्ग है सारे बेरोजगार ही है, यहाँ पे जितने खड़े हैं सब बेरोजगार है। वो सब यहाँ जानने ही आए हैं कि आखिर आप भर्ती निकालते हैं, परीक्षाएं करवाते हैं, फिर घोटाला हो जाता है। क्या सबके पास इतना ना पैसा है ना टाइम है अपना वेस्ट का? आप सीधे कह दो ना कि हम सीधे पैसे लेके आप लोगों को भर्ती कर देंगे, हमें कोई परीक्षा नहीं करवानी, कोई रिजल्ट नहीं देना। अगर आप यही चाहते हैं तो आप सीधे सीधे बोलें कि आप 12 लाख दे दें, आप 16 लाख दे दें, हम आपका सीधे सीधे चयन कर देंगे। नहीं तो परीक्षार्थियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर स्लोगन लिखे हुए थे, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। और यही नारे परीक्षार्थियों ने वहां पर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लगाए। कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय दमोह में एसडीएम को ज्ञापन दिया। कोई मापदंड तय नहीं किया आपने, एक भी ना मेरिट लिस्ट कुछ नहीं बताया। तो हम लोग बस यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप फिर से रिजल्ट को या तो सुधारिए या तो ये भर्ती निरस्त करिए। परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं द्वारा व्यापम द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया उस पर उंगली उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जितने भी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें रिजल्ट घोषित कर अंक बताए जाते हैं, परीक्षाएं करवाई जाएं फिर घोटाला हो जाता है। किसी के पास ना इतना पैसा है ना समय है, आप सीधा कह दो हमें कोई परीक्षा नहीं करानी, 12 लाख या फिर 16 लाख रुपए दो और अपना चयन करवा लो। एसडीएम ने ज्ञापन लेते हुए मुख्यमंत्री तक भेजने का आश्वासन दिया। स्वागत जिंदगी के लिए धीरज कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। ऐसी प्रमुख खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।